लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, देश में सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये तो हुई लोकसभा की बात, अब लौटते हैं राज्यसभा की ओर। चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीसा भारती सहित मौजूदा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई, जबकि 2 सदस्यों डॉक्टर के केशव राव और ममता मोहता के इस्तीफे देने के कारण 2 सीटें खाली हुई हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की इन 12 सीटों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी, जबकि इन सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए अलग अलग चुनाव 3 सितंबर को होंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26-27 अगस्त है। असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 26 अगस्त है, जबकि बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है। राज्यसभा की कुल 12 खाली सीटों में से असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2 सीटें हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा से 1-1 सीट खाली है। समीकरण के अनुसार बीजेपी और एनडीए को 12 सीटों में 11 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस को तेलंगाना से मिल सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक असम के कामाख्या प्रसाद तासा और सर्बानंद सोनोवाल, बिहार से मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले और पीयूष गोयल, राजस्थान के केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव लोकसभा में सांसद चुने गए थे, जबकि तेलंगाना से के केशव राव और उड़ीसा से ममता मोहता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से सभी 12 सीटें खाली हुई हैं। बता दें, ममता मोहता हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ दिया है और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उसी तरह से के केशव राव बीआरएस ने नाता तोड़ने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की खाली सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हरियाणा जहां भाजपा की सरकार अल्पमत में चल रही है, तो वहीं जेजेपी ने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के पास पर्याप्त वोट नहीं है। भाजपा अब हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में खुद निर्दलियों के भरोसे है। वहीं कांग्रेस भी जेजेपी और निर्दलियों को अपने साथ खड़े होने का दावा कर रही है। ऐसे में ना कांग्रेस और ना ही भाजपा के लिए हरियाणा का राज्यसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें मौजूदा समय में भाजपा राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा की दूसरी बड़ी पार्टी है।